हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम बनाना सीखेंगे एक फ्लावर। तो सबसे पहले हमने ये ले लिया, तो अब हम इसको कट करते हैं। पहले सबसे पहले इसको लेना है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर इसको जो है ना यहाँ से एकदम यहाँ से यूं कट लेना है और सी शेप में यहाँ से कट कर देना है। तो मैंने इसमें कट लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, यूं फोल्ड करना है। और एक बार फोल्ड करना है। हमने इसे यूं फोल्ड कर लिया है, तो अब हम यहाँ पे यूं ऐसे लाइन से कट करेंगे। यूं आप देख सकते हो हमने यूं कट कर लिया है, ये इस टाइप से। अब इनको हम त्रिकोण की शेप में कट करेंगे। हमने इन्हें कट कर लिया, अब हमें इसे खोलना है। सो गाइस, हमने इसे खोल लिया है। अब हम इसका जो एक पार्ट है, मतलब ये इतना सा, उसको हम कट कर लेंगे ताकि ये एकदम चिपक जाए एकदम इस तरीके से। और इसको यूं करके यहाँ पे यूं चिपका देना है इस तरीके से, ताकि एकदम गोल शेप बन जाए गाइस, एकदम इस तरीके से। अब हम सेम चीज़ इस रेड पे करेंगे गाइस। रेड वाले और ऑरेंज वाला दोनों रेडी होंगे हैं। अब सेम चीज़ हम ग्रीन पे करेंगे। सो गाइस, मेरे तीनों कंप्लीट हो गए। तो अब एक के अंदर एक डाल के अब हमें इसको पेस्ट करना है एकदम इस तरीके से। हमें इसको चिपका लिया है। अब हम ये जो पेज है ग्रीन, इससे हम इसके नीचे वाले स्टिक बनाएंगे, छोटे बनाते हैं। सो हमारे अब स्टिक भी रेडी है। अब हमें स्टिक को इस फ्लावर से कनेक्ट करना है। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एकदम कट कर लेंगे 3 या 4 पार्ट्स में एकदम इस तरीके से। आपको यूं यूं करके कट कर लेना है। फिर ये जो है इनके ऊपर हमें ग्लू 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 लगा देना है। अब हमें इसको इसके ऊपर स्टिक कर देना है एकदम इस तरीके से। आप देख सकते हो एकदम अच्छा वाला रेडी हो जाएगा फिर तो। अभी फाइनल टचअप करना है, इसके लीव्स लगानी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पेज लेंगे, उसको थोड़ा सा कट कर लेंगे। फिर उन्हें फोल्ड कर लेना है, 2 छोटे छोटे फोल्ड करना है और एक थोड़ा सा बड़ा फोल्ड करना है। और फिर इसको लीव की शेप दे देना है इसके ऊपर, और फिर इसको कट कर लेना है इस इधर से एकदम इस तरीके से। शेप्स बना लेने हैं, अब इन्हें कट कर लेना है एकदम इसी शेप्स में कट कर लेनी है। और अब इसके ऊपर इस टाइप से स्टिक कर देनी है यूं, इधर एक, इधर एक, इसके यहाँ पे, वहाँ पे इस तरीके से स्टिक कर देनी है। चलो इसको स्टिक करते हैं एंड बिल्कुल इस टाइप से स्टिक कर लेनी है आपको एकदम स्टेप से स्टिक कर लेनी है। और आपका फ्लावर पूरी तरीके से रेडी है। अगर आप चाहो तो इसके बीच में कोई भी मोती वोती डाल सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। और ये फ्लावर आप किसी भी बर्थडे पार्टी किसी भी जगह पे किसी भी तरीके से बना सकते हो। अगर आपके मतलब एंड टाइम पे ज़रूरी हो तो आप ये फ्लावर बना सकते हो। एकदम ईजी और एकदम फास्ट फ्लावर है, आप एकदम अच्छी तरीके से बना सकते हो इसे। और आप कम पेजों में इसे बना सकते हो। अगर आपको ज़्यादा इस तरीके से फ्लावर को रेडी करना है तो आप इसके अंदर और फ्लावर्स भी डाल सकते हो छोटे छोटे। और अगर आपको 3, 4, 2 जितने भी फ्लावर्स से इसको रेडी करना है वो आप इसके अंदर इस डाल से डाल के और रेडी कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ऐसी क्राफ्ट देखनी है तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।